बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक छोटा सा कुकिंग ब्लॉग शेयर करूंगी। आज मैंने बनाए थे ब्रोस्ट, बनाए थे साथ में बन भी थे और तहीना सॉस बनाई थी। असल में मेरे बेटे जो हैं अब्दुल मालिक फरीद के व्लॉग्स बहुत शौक से देखते हैं और उनके व्लॉग्स में अलबेक चिकन का जो है रिव्यू देते हैं खा के, तो उन्हें बड़ा दिल चाहता था खाने का। तो मेरे बेटे की बर्थडे थी और हमारे घर में बर्थडे में ऐसा होता है कि जब किसी की बर्थडे होती है तो उसी की पसंद का, उसी की फरमाइश का खाना बनता है। तो उसने फरमाइश की थी ब्रोस्ट खाने की, तो ये मैंने ब्रोस्ट बनाने की ट्राई की थी और ये बहुत मज़े का बना था, परफेक्ट बना था। साथ बन बनाए थे और तहीना सॉस बनाई थी। तीनों की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ मैंने चिकन ले ली है 1 kg और इसके ऊपर मैंने बहुत गहरे गहरे कट्स लगा लिए हैं। कट्स आपने हड्डी तक ले जाने हैं और इसके ऊपर हम डाल देंगे पानी। पानी ये आम नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला जो पानी होता है वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। पानी इतना डालना है कि चिकन ईज़िली अंदर डिप हो जाए। अच्छा, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे सिरका। 1/2 कप मैं इसमें डाल दूँगी सिरका और 1 tablespoon डाल दूँगी इसमें नमक और 1 tablespoon ही डाल दूँगी मैं इसमें गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो फिर आप फ्रेश क्रश करके वो भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स करना है, 1/2 घंटे या घंटे के लिए छोड़ देना है। कोशिश करें कि 1 घंटा इसको डिप रहने दें इसमें और उसके बाद इसको हम इसकी सेकेंड मैरिनेशन करेंगे। मिक्स करूँगी और 1 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। अब हम तैयारी करते हैं सेकेंड मैरिनेशन की। सेकेंड मैरिनेशन के लिए एक बाउल में मैंने ले लिया है 1 अंडा और इसके ऊपर डाल देंगे हम 2 tablespoon सिरका और इसी तरह हम इसमें डाल देंगे 1 tablespoon लाल मिर्च का पाउडर डाला है मैंने। लेकिन ये जो लाल मिर्चें हैं ये तेज़ नहीं हैं, ये रंग वाली हैं। अगर आप चाहें तो उसकी जगह आप 1 tablespoon पेपरिका पाउडर ऐड कर दें। सिरका डालने के बाद देखिए मैंने लाल मिर्चों का पाउडर भी डाल दिया है और इसमें 2 tablespoon में डाल दूँगी सोया सॉस और इसके बाद इसमें डाल देंगे हम 1 tablespoon गार्लिक पाउडर। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 tablespoon नमक। मैंने 1 tablespoon डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। चैनल का ज़रूर विज़िट करें, बहुत से डिफरेंट रेसिपीज़ मौजूद हैं, बहुत से डिफरेंट रेसिपीज़ लेके आऊँगी। तो चैनल को सपोर्ट करते रहें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि डेली की रेसिपीज़ आपको मेरी मिलती रहें। अच्छा, नमक डालने के बाद मैंने इसमें 1/2 teaspoon दालचीनी का पाउडर डाल दिया है। इन सब चीज़ों को पहले मिक्स कर लेते हैं। एक चीज़ इसमें रह गई थी, मैंने इसमें 1/2 tablespoon डाला है चिकन पाउडर, वो भी डाल देंगे, मिक्स करेंगे। अब क्या करना है, चिकन को जो पानी में हमने डिप करके रखा था उसमें से निकालेंगे और इस मसाले में अच्छी तरीके से हमने इसको मैरिनेट करना है। मसाले में अच्छी तरह रोल करेंगे ताकि मसाला इसके कट्स के अंदर भी अच्छे से चला जाए और ऊपर भी अच्छे से लग जाए। और इसमें इसको हमने 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। अब इसकी कोटिंग की चीज़ें भी आप देख लें। कोटिंग के लिए मैंने एक प्लास्टिक के कंटेनर में डाल दिया था 1 कप मैदा और इसी के साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है, सबसे पहले 1 कप मैदा डाला है, उसके बाद मैंने इसमें 1 कप ही चावलों का आटा डाला है और 1 कप मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। उसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे 1/2 tablespoon और सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी डालूंगी इसमें मैं 1/2 tablespoon। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 tablespoon, पेपरिका पाउडर डालेंगे 1 tablespoon और एक और चीज़ इसमें मैंने डाली थी चिकन पाउडर, मैंने इसमें 1/2 tablespoon ऐड किया था, वो मुझसे स्टेप स्किप हो गया। और इसके बाद आपने इसको मिक्स करना है बहुत अच्छी तरह ताकि सारी चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब आपने एक बाउल में 2 अंडे फेंट के रख लेनी है और इस अंडे में आपको जो नीचे वाइट नज़र आ रहा है ये मैंने बन के ऊपर ब्रशिंग की थी दूध और अंडे की, वो है, तो उसी में मैंने इसको डाल दिया ताकि ज़ाया ना हो। बन की रेसिपी इसी वीडियो में आगे आपसे शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ऑयल आपने अच्छे से गरम कर लेना है। जब ऑयल गरम हो जाए तो हीट आपने मीडियम कर देनी है। अब यहाँ पे मुझसे एक बहुत अहम स्टेप स्किप हो गया था क्योंकि बहुत सी चीज़ें साथ साथ चल रही थी, तो ये स्टेप मुझसे स्किप हुआ है कोटिंग का। आपने सिंपल चिकन उठानी है, मैदे में उसको अच्छी तरीके से रोल करना है, अंडे में उसको डिप करना है, फिर से उसको मैदे में अच्छी तरीके से रोल करके आपने इसको डीप फ्राई करना है। आपने तकरीबन चिकन को 10 मिनट लाजमी डीप फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर कवर करके ताकि चिकन जो है अंदर से कच्ची ना हो। बहुत सी चीज़ें साथ साथ बना रही थी, बन भी बन रहे थे, चिकन भी थी और तहीना सॉस भी थी, तो ये एक स्टेप मुझसे स्किप हो गया था कि मैंने जब कोटिंग की थी उस टाइम पे, तो मैंने कोटिंग बस जिस तरह आपको बताया है कि चिकन को आपने निकालना है मसाले में से, मैदे में अच्छी तरीके से रोल करना है, अंडे में उसको डिप करके फिर से मैदे में उसको अच्छी तरीके से रोल करके आपने उसको डीप फ्राई कर लेना है। आपने बार बार उसमें चम्मच नहीं हिलानी।
अच्छा, बन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ मैंने 1 कप गर्म पानी डाला है, उस पर मैंने 2 टीस्पून जीस्ट डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मैदा 1/2 कप। इन सब चीज़ों को हमने मिक्स करना है और इसको कवर करके राइस होने के लिए छोड़ देना है। मौसम थोड़ा ठंडा है तो राइस होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो ये काम आप स्टार्ट में ही कर दें, यानी बाकी काम करने से पहले राइस को जीस को राइस होने के लिए रख दें। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, ये मैंने पहले सबसे पहले इसको राइस होने के लिए रख दिया था और यहाँ पे जीस जो है राइस हो चुका था। तो अब इसमें हमने क्या डालना है वो आप नोट कर लें। एक अंडा हमने इसमें डाल दिया है और ये अंडा फ्रिज का ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे आप पहले ही बाहर निकाल के इसको रख लें। तो 2 टीस्पून मैंने इसमें चीनी डाल दी है, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब आपने मैदा छान के रखना है तकरीबन 3 1/2 कप, सारा हम नहीं डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें 2 1/2 कप डालेंगे। 1/2 कप मैंने जिस तरीके से आपको दिखाया था पहले डाला है जीस को राइस करते वक्त, अब मैं इसमें 2 1/2 कप डाल रही हूँ। और 2 1/2 कप डालने के बाद मैं इसको गूंद लूँगी। अगर तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो फिर मज़ीद मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी। डो को हमने सॉफ्ट ही रखना है, अगर डो हमने सॉफ्ट रखी तो बन सॉफ्ट बनेंगे, डो हमने सख्त रखी तो फिर बन सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो इसलिए मैदा मैं अभी फ़िलहाल 2 1/2 कप डाल रही हूँ। अगर मैं इसको गूंदूँगी, अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो फिर मज़ीद डालूँगी। और एक चीज़ इसमें रह गई थी, मैंने इसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड किया है। आप ऑयल ऐड कर सकते हैं या आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके गूंद के डो बनाएंगे। आप मेरे चैनल को विज़िट करें, वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने पहले भी एक बन बनाए थे, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने थे। अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों को तो जो पहले मैंने रेसिपी बनाई थी बन की, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, ये भी सॉफ्ट थे, लेकिन वो ज़्यादा मज़े की रेसिपी थी, ये भी मज़े की है। आप वो भी चेक कर लें और इसको भी चेक करें बना के, दोनों ही अच्छे बनते हैं। तो यहाँ मैंने इसको गूंद के इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया है, इसको मैंने राइस होने के लिए छोड़ दिया था। जब ये राइस हो गया था तो इसको दोबारा से मैंने गूंद लिया था और बस सिंपल इसके बॉल्स बनाएंगे। और इसके बाद साथ ही मैं तहीना सॉस की रेसिपी भी आपसे शेयर करूंगी। तहीना सॉस ब्रोस्ट के साथ बहुत बहुत मज़े का लगता है। तहीना सॉस शॉर्मे में, ब्रोस्ट के साथ, फलाफिल के सैंडविचेस में, सब में ही बहुत मज़े का लगता है। और यहाँ देखिए मैंने बॉल्स बना लिए हैं, ग्रीस की हुई ट्रे में इसको रख दूँगी। और इसको फिर से हमने राइस होने के लिए छोड़ देना है। जब ये दोबारा राइस हो जाएंगे तो इसके ऊपर हमने एक अंडा लेना है, उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करना है, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून दूध ऐड करके इसको फेंट के हमने इसके ऊपर ब्रशिंग करनी है। ये वही बाउल में मैंने जो बचा हुआ था मैंने बाउल में डाल दिया था जब ब्रोस को मैंने कोटिंग करनी थी अंडे की, ताकि ये ज़ाया ना हो, तो यही मैंने फिर उसी बाउल में डाल के उसकी ब्रोस के ऊपर कोटिंग भी कर दी थी इसी की। अच्छी तरीके से अंडा और दूध लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने तेल डाल दिए थे और पहले से ओवन को मैंने गर्म कर लिया था और उसमें मैंने तकरीबन इसको बेक किया था 20 से 25 मिनट के लिए। मेरे ओवन में टेम्परेचर की सेटिंग नहीं होती तो मैंने अंदाजे से इसको 20 मिनट रखा था और 20 मिनट बाद मेरे बन बिल्कुल रेडी थे। तो आप अपने ओवन के टेम्परेचर और टाइमिंग के हिसाब से इसको बेक कर लें और ये बन रेडी हो गए हैं। इसको मैं ऊपर से कवर कर दूँगी। अब हम तहीना सॉस की तरफ आते हैं। बाहर से जो तहीना सॉस मिलती है वो बहुत महंगी होती है, तो ये घर में साफ़ सुथरी बनाए बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ मैंने 1 कप तिल लिए हैं, खुश तवे पे डाल के उसको हम भून लेंगे। इसके पास से अब आपने हटना नहीं है क्योंकि तिल फ़ौरन से रोस्ट हो जाते हैं। हमने इसको बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, जब इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आने लगेगी और कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा तब तक हमने इसको रोस्ट करना है। और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा और खुशबू आने लगेगी तो फिर जिसमें हमने चीनी वगैरह पीसते हैं ग्राइंडर में उसमें डाल के हमने इसका पाउडर बना लेना है। और अब क्या करना है, इस पाउडर को हमने ब्लेंडर में डालना है। ब्लेंडर में ये सारा पाउडर डालेंगे और इसके ऊपर अब मैं डाल दूंगी दही, तकरीबन 8 से 9 टेबलस्पून। मैंने तो अंदाजे से डाली थी लेकिन मेरे ख्याल से 8-9 टेबलस्पून बन गए थे। आपने एकदम से ज़्यादा नहीं डालनी है, 8 से 9 टेबलस्पून डालेंगे। ज़रूरत महसूस हुई तो फिर बाद में मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और यहाँ 1 कप यानी तिल में 9 टेबलस्पून दही मेरे ख्याल से काफ़ी हो जाएगी। दही डालने के बाद हमने इसमें लेमन डालना है। मेरे पास 2 छोटे साइज़ के लेमन थे तो मैं दोनों डाल रही हूँ, बड़े साइज़ का है तो एक भी काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे, यानी 1 1/2 टीस्पून नमक कर लें और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर कर लें।
और उसके बाद हमने इसमें ऑयल डालना है, हाफ कप ऑलिव ऑयल है। अगर ऑलिव ऑयल नहीं होता मेरे पास तो मैं बाज़ दफ़ा दूसरा ऑयल डाल के भी तहीना बना लेती हूँ। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करेंगे और बहुत ही मज़ेदार हमारा तहीना सॉस रेडी हो गया है। अब सब कुछ रेडी है, ब्रोस्ट भी रेडी, बन भी रेडी, सॉस भी रेडी हो गई है और अल्लाह का शुक्र है सब बहुत बहुत मज़े का बना था। ये सब मैंने बनाया था 8 नवंबर को, 8 नवंबर को मेरे बेटे की बर्थडे थी, उसकी फरमाइश पे बना था। दूसरे बेटे की बर्थडे आती है 15 नवंबर को, उसकी बर्थडे पे जो भी मैंने बनाया आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी उसकी रेसिपी भी। ये सब बहुत मज़े का बना था, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं इसको इंजॉय करती हूँ, अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।